रूस और यूक्रेन की जंग में आम लोगों को निशाना बनाने की घटना लगातार बढ़ते देख रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खेरसोन के आम लोगों को शहर खाली करने को कहा है। इसके साथ ही खेरसोन शहर में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। खेरसोन यूक्रेन के उस इलाके का हिस्सा है जिस पर रूस ने सितंबर में कब्जा कर लिया था। पुतिन ने चेतावनी दी है कि खेरसोन प्रांत में रहने वाले नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाके से निकल जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सुझाव के बीच रूसी सेना निप्रो नदी के पश्चिमी तट को छोड़ने की तैयारी कर रही है। अमेरिका ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए लगभग 400 मिलियन डॉलर के सुरक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की है। इसमें T-72 टैंक और सतह से हवा में मार करने वाली हॉक मिसाइलों के नवीनीकरण के लिए अमेरिका पैसा देगा, जबकि कीव ने जर्मन लेपर्ड या यूएस अब्राम टैंकों की मांग की है कि T-72 टैंक चेक गणराज्य के रक्षा उद्योग से आ रहे हैं। अमेरिका उनमें से 45 के नवीनीकरण के लिए पैसे का भुगतान कर रहा है। उधर यूक्रेन की सरकारी डाक सेवा ने पिछले महीने क्रीमिया के ब्रिज पर हमले के लिए एक स्मारक युद्धकालीन डाक टिकट जारी किया। इस हमले के बाद रूस ने कीव के कई नागरिक ठिकानों पर हमला भी किया और पुतिन ने इसके लिए क्रीमिया के पुल पर हुए हमले को जिम्मेदार बताया।